नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। और हम फिर आज हैं आपके लिए एक नया हाउस लेकर। आज का जो हाउस होना है वो खुद के ओनर का बना हुआ है, खुद अपने लिए पर्सनली उन्होंने बनाया हुआ है, और किसी वजह से वो अभी इसे सेल कर रहे हैं। मैं अगर इसके हाउस की डिटेल देता हूँ तो आपको ये डुप्लेक्स आज मिलने वाला है जो कि 110 गज में बना हुआ है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं आपको फ्रंट पे आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है जो कि काफ़ी सिंपल डिजाइन के साथ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग इसमें आपको काफ़ी बड़े साइज में मिलने वाली है। एक पार्किंग आपको ये मिल जाएगी और एक जस्ट साइड में ही आपको ये पार्किंग मिलने वाली है। इसमें आपको देख सकते हैं नीचे पार्किंग में काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ जो टहल है वो आपको उसमें यूज मिलने वाला है। एक पार्किंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसे आप चाहें तो एज एट गार्डन भी यूज कर सकते हैं, साइड में अपने यहाँ पर गार्डन एरिया बना सकते हैं और वो आपका पार्किंग एरिया आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। आप जैसे ही अंदर आएंगे ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाएगा जो कि काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको मिलने वाला है। ड्राइंग एरिया में आपको साइड में आपको विंडो मिलने वाली है तो डे लाइटिंग का जो सोर्स है आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। इसमें आपको पूरे घर में देखिए पीवीसी पैनल लगा मिलने वाला है साइड वॉल पर जो कि काफ़ी अच्छे डिजाइन वुडन टेक्सचर्स के साथ आपको ही मिलेगा। इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि अभी घर में आपको पेंट नहीं है, पेंट इसमें इसलिए नहीं कराया गया है और कोई परचेज करता है तो वो अपने हिसाब से पेंट करा सकता है कि किस कलर का जमे चाहिए या कोई अलग कंपनी का कराना चाहते हैं तो वही आप करा सकते हैं। तो एक कलर का आपके पास ऑप्शन है, आप जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। बाकी चलते हैं इसके बेडरूम की साइड में। आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में सेम एक ही जगह मिलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ आपको ये मिलेगा। ये साइड में ही आपका पूजा करा जाता है। और ये आपके पूजा घर के जस्ट साइड में आपको ये बेडरूम मिलने वाला है। पूरे घर में आपको एक टाइल लगा के दी गई है वो आपको स्क्रैच लेस टाइल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूँ इसके रूम के साइज की, तो ये आपको 12x13 का रूम का साइज मिलने वाला है जो कि काफी अच्छे साइज के साथ आपको मिलेगा। इस रूम में आपको बैक साइड में इसमें बालकनी मिल जाएगी जो कि अभी साइड में काम चल रहा है तो अभी थोड़ा सफाई नहीं हो पाई है जो कि काफ़ी अच्छे साइज के साथ आपको मिलने वाली है। और इसमें आपको ये साइड में अलमीरा मिल जाएगी जो कि अभी तैयार नहीं है, आपको तैयार करके दी जाएगी। और इसी के जस्ट साइड में आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। वॉशरूम में आपको दोस्तों 7 फीट तक टाइल मिल जाएगी लगी हुई जो कि काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ आपको मिलने वाली है। चलते हैं दोस्तों इसके किचन की साइड में। तो आपके बेडरूम के साइड में ही आपको किचन मिलने वाली है। तो ये आपको देख सकते हैं काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ पर मिल जाएगी
आपको पूरा काम करा के दिया जाएगा, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसे करा सकते हैं। और किचन के जस्ट साइड में ही आपको मिलने वाला है बालकनी, पीछे वॉशिंग एरिया भी, आप ऐसा वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं काफी बड़ा साइज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप इसे एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। ऊपर चलने से पहले मैं चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है सीढ़ियों के नीचे, तो काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको जगह मिलने वाली है। यहाँ पर आप चाहते हैं इसे कवर करा के स्टोर रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या अपने अपनी किसी पर्सनल जैसा भी आप चाहे वैसे इसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर अपना एक डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं छोटा। चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर की साइड। स्टूडियो में जो आपको रेलिंग मिलेगी नीचे तक, आपको स्टील की रेलिंग मिलने वाली है जो काफी अच्छी क्वालिटी की आपको रेलिंग यहाँ पर मिलेगी। ये दोस्तों 3 बेडरूम डुप्लेक्स है जो कि काफी शानदार नक्शे के साथ आपको मिलने वाला है, काफी अच्छा डिजाइन उन्होंने निकाल कर दिया हुआ है। चलते हैं इसके 2nd बेडरूम की साइड। तो जैसे हम ऊपर आएंगे आपको जस्ट साइड में आपको 2nd बेडरूम मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको पेंट नहीं मिलने वाला है, मैंने पहले बताया आपको पेंट आपको अपनी पसंद से करा सकते हैं पूरे घर में कैसे भी। और इसमें आपने ये अंधेरे के लिए जगह दी हुई जो कि आपको कंप्लीट करा के दी जाएगी। अगर इस रूम की मैं बात करता हूँ तो ये आपको 11x10 का 10.5 का रूम साइज मिलने वाला है, और इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है जो कि आपको देख सकते हैं अंधेरे के जस्ट साइड में से आपको एक अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। वॉशरूम का साइज देखिएगा आपको काफी अच्छे साइज के साथ आपको वॉशरूम मिलने वाला है जिसमें 7 फीट तक टायर लगा के दी गई है, और यह पर्सनल यूज के लिए बनाया हुआ था, ऑनर का बना हुआ है कोई, तो काफी अच्छा काम बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्लिप लगाई है, यहाँ पर आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं, और ये आपको यहाँ पर देखिए साइड में 2 फीट की गैलरी दी गई है, आपको विंडो मिलने वाली है फर्स्ट फ्लोर पर। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके 2nd बेडरूम की तरफ। ये दोस्तों आपके 2nd बेडरूम आ जाएगा, 3rd बेडरूम आ जाएगा, देख सकते हैं आपके 3rd बेडरूम को मिलने वाला है। पूरे घर में जो टाइल है, टाइल काफी अच्छे सिंपल पैटर्न के साथ आपको मिलने वाली है जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। तीनों बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, और पूरे घर में आपको लाइटिंग डे लाइटिंग जो है उसमें काफी ध्यान रखा गया है, देख सकते हैं इसमें भी आपको जो विंडो है काफी बड़े साइज में आपको मिलने वाली है, और इसके बेडरूम के जस्ट साइड में आपको स्पेस मिला है, हम आपको बाद में दिखाएंगे सर। अगर इस रूम के साइज की बात करता हूँ तो ये आपको 12x13 का बेडरूम साइज मिलने वाला है जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। वॉशरूम के साइज है वो काफी अच्छे इन्होंने रखा हुआ, देख सकते हैं काफी बड़े साइज के साथ आपको वॉशरूम का साइज मिलने वाला है जो कि जिसमें आपको 7 फीट तक टाइल लगाकर दी गई है। आपको 3 बेडरूम में आपको अलमीरा देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आपको अलमीरा के लिए जगह दी गई, और ये देख सकते हैं वेंटिलेशन, देख सकते हैं रूम के देखो जिस साइड में आपको वेंटिलेशन मिलने वाला है जो कि मैंने आपको 1st बेडरूम में जगह दिखाई थी, वो उस जगह के जगह में से आपको वेंटिलेशन अपनी ही जगह पे मिलने वाला है। 3rd बेडरूम के साइड में ही एक स्टोर रूम मिल जाएगा, आप चाहे से स्टोर रूम ऐसा स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, चाहे तो पूजा रूम यूज कर सकते हैं। आपको ये जो घर मिलने वाला है इंडिपेंडेंट मिलने वाला, पूरा घर खुला स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके 3rd बेडरूम के साइड में एक पीछे बालकनी दी हुई है जो कि काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं बैक साइड में आपको, ये देखिए आप बैक साइड में भी आपको काफी स्पेस मिलने वाला है। नीचे देखिए नीचे आपको यहाँ पे भी चाय लगा के दी गई है, और इसी के जस्ट साइड में ही आपको ये देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ये नल लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पर टोटी लगी मिल जाएगी जिससे आपको पानी की सुविधा है बाकी साइड में भी रहेगी, और इससे आपको बैक साइड में सीढ़ियाँ दी गई है टॉप पर जाने के लिए। काफी शानदार डिजाइन के साथ आपको ये देखने को मिलेगा।
देख सकते हैं, ये आपके घर के फ्रंट पे आ गए फर्स्ट फ्लोर के, तो यहाँ पे भी आपको एक बालकनी दी गई, काफी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है आगे, और देख सकते हैं ऊपर भी आपको पीवीसी पैनल का डिजाइन आपको मिलने वाला, लगाव मिलने वाला है, क्योंकि काफी अच्छे डिजाइन के साथ आपको मिलेगा। पूरे घर में कंसील्ड लाइट का जो लाइटिंग है वो काफी अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रखा है, हर जगह आपको लाइटिंग सोर्स काफी अच्छा दिया हुआ है, नाइट के लिए भी और डे के लिए भी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इफेक्ट की यहाँ पर गैलरी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको ये सामने रेलिंग लगी हुई मिलने वाली है। दोस्तों ये हमने घर दिखाया आपको 3 BHK डुप्लेक्स है, जो कि काफी इंडिपेंडेंट घर आपको मिलने वाला है, 110 गज में ये बना हुआ है, और इसका जो फ्रंट है 20 है, और आपको 18 फीट की रोड मिलने वाली है जो इसके घर के आगे से निकली हुई है। और मैं बात करता हूँ इसकी लोकेशन की, तो आपको ये कोलागढ़ चूनाभट्टा, बाकी आप हमारे किसी भी इस घर के इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, कोई और भी चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा देखने को, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, नमस्कार दोस्तों।